तो सेम रिलेशन में भी रहता है ग्रिपिंग, और जो आपका सुबह के क्लास के बाद कहीं निकला ही नहीं हूँ, तो अभी फिर से जाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी 5 बजे का क्लास लेने का है। एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप सारे मज़े में हो, अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा। तो क्यों नहीं निकला था, तो उसका रीज़न है बारिश, तो बारिश सबसे गिर रही है तो नहीं गए हैं, तो अभी जाएंगे। चलो आ गए हैं क्लास पे। तो सेवपुरी का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं जब भी नींद से उठता हूँ ना, तो मेरे को भूख ना बड़ी ज़्यादा लग जाती है, तो बीच में मेरे को सेवपुरी वाला दिख गया, तो मैंने अब सोचा खा ही लेते हैं, तो थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी और कुछ नया ट्राई भी हो जाएगा अपना खाने का। तो मैंने सेवपुरी खा लिया, 40 रुपये का ही था, तो चलता है, कोई नहीं। चलो अभी थोड़ी देर राह देखते हैं, देन क्लास चालू करेंगे। किक वहाँ पे करना है, इस तरफ फेस करके, दो ही ना, चार। बारिश चालू की चालू ही है, देते अंदर। एक विलन मूवी देखा है, उसका विलन ऐसा ही पहनता है, रितेश देशमुख, और हम वैसे ही चल रहे हैं। चलो अभी बारिश की थी, फोन ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। आगे आप अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। चलते हैं एक्टिवा लेने के लिए। तो एक्टिवा के पास तो आ गए, ये पड़ी अपनी एक्टिवा, और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो अच्छा मौसम लग रहा है आज तो। द नेक्स्ट डे, एक्चुअली एक बात मेरे को कल रात से शेयर करनी थी, पर मैंने सोचा कहीं पे जाके तसल्ली से बैठ के और फ्रेश माइंड से उसको मैं शेयर करूँगा। तो कल रात का जो क्लास लेने गए थे गरबा का, तो वहाँ पे एक कपल आया हुआ था, तो कपल में जो भाई थे और वो थोड़े इनसिक्योर से मेरे को लग रहे थे, क्योंकि जब जब तक क्लास चालू हुआ तब से लेके जब तक क्लास ख़त्म नहीं हुआ, तो वो भाई जो बहन के साथ में आए थे उनके साथ में ही साथ में रहा। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस किया, तो ऐसा इनसिक्योरिटी और वो सब तो होता रहता है, पर किसी भी इंसान को इतना नहीं दबाना चाहिए कि वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाए। ओके, तो उसका एग्जांपल मैं एक देता हूँ आपको, एग्जांपल से समझाने का मैं ट्राई करता हूँ। स्प्रिंग होता है राइट, तो स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखोगे ना, तो जब भी छूटेगा तो हाथ में आने नहीं वाला है, वो कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं है। ओके, तो उसको ऐसे हल्के हाथ से ग्रिप करके रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। तो सेम रिलेशन में भी ऐसा है, किसी भी इंसान को आप ऐसे दबा के रखोगे ना तो थोड़े टाइम के बाद में वो ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा, पर हल्का ग्रिपिंग रहेगा आपका, थोड़ा वॉच रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि फ्रीडम सबको चाहिए, फिर वो इंसान हो गए या जानवर हो गए, तो फ्रीडम दिया करो। इनसिक्योरिटीज़ होती है पर इतनी सारी भी नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला इंसान उब जाए। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज़ आपके हाथ में रेत है, ओके, तो रेत को आप ऐसे मुट्ठी में बंद करके रखोगे ना तो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, पर उसको ऐसे हल्के हाथों से ऐसा रखोगे तो वो हिलेगा भी नहीं। ओके, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही खोलो, पूरा खोलोगे तो भी गिर जाएगा। तो ग्रिपिंग और वॉच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेम रिलेशन में भी रहता है ग्रिपिंग और जो आपका और वॉच, ओके, वो दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे दबा के किसी को भी नहीं रखना है वरना ब्लास्ट हो सकता है। ओके, तो अगर हाथ में मिट्टी नहीं रह सकती है तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही नोट पे आज का वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में मेरे को कमेंट करके बता देना, और वीडियो को कर देना शेयर। आपको मिलते हैं कल, बाय।
We'll be perfect together. Don't you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you had time. We'll be perfect.